नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निस्वार्थ ज्ञान पर। दोस्तों 19 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार के दिन एक चीज जरूर खा लेना, पूरे साल जमकर पैसा आएगा। जी हां दोस्तों, 19 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों इस बार सावन का आखिरी सोमवार 19 अगस्त को है और इस दिन यानी 19 अगस्त सावन सोमवार पर बहुत सारे विशेष शुभ योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों कई ग्रह नक्षत्र का एक साथ मिलन होने के कारण इस दिन कई सारे राज्य योग सिद्ध का भी निर्माण हो रहा है और इस दिन ब्रह्मा नामक योग बन रहा है और सिद्ध नामक योग भी बनेगा। दोस्तों भगवान शिव शंभु को सावन सोमवार का महीना बहुत ही प्रिय है और इस दिन अगर आप यह एक चीज खा लेते हैं तो पूरे साल आपको पैसों की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी, जीवन में खूब धन संपदा आएगी और भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहेगी। इस दिन आप कुछ करें या ना करें पर सावन के आखिरी सोमवार के दिन यह फल जरूर खा ले। दोस्तों हमारे हिंदू परंपरा में सावन का बहुत महत्व है और भक्तों सनातन धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का पांचवा महीना होता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और सावन के महीने के सोमवार का महत्व और भी अधिक होता है। इस माह में शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने से एक भक्त की मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही सावन के सोमवार व्रत रखने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों सावन महीने का आरंभ 22 जुलाई सन 24 दिन सोमवार से हो चुका है और सावन महीने का समापन 19 अगस्त को होगा। कहा जाता है इस सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। भक्तों वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त प्राचीन जानकारी चैनल की इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्ची श्रद्धा से लिख दें जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। माना जाता है कि एक दिन प्रकाश के रूप में शिवजी प्रकट हुए थे और 19 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार के दिन अगर आप सिर्फ पूजा पाठ करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है और तमाम तरह के प्रयोग हम करते हैं लेकिन अनजाने बस हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि पूजा में मिलने वाले पुण्य की जगह हम कहीं ना कहीं पाप के भागी हो जाते हैं या फिर हमारी पूजा ही निष्फल हो जाती है। ऐसे में वह कौन सी चीज है जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शिवजी की पूजा में और कैसे बचे आइए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम आपको बता दें जब भी आप शिवालय जाए शिवजी पर जल अर्पित करें तो जहां पर से जल बाहर निकलता है उसको कभी मत लांघे, उसे हम जलहरी कहते हैं। उसे नहीं लांघना चाहिए, उसे लांघने से बहुत दोष लगता है, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा शिवजी की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, आधी परिक्रमा जरूर करें और तुलसी के पत्ते भूलकर भी शिवजी को अर्पित मत करना। कभी कभी जाने अनजाने में शिवलिंग पर कुछ लोग सिंदूर अर्पित कर देते हैं, हल्दी अर्पित कर देते हैं, यह सब स्त्री और देवी शोभा की वस्तु है और भोलेनाथ तो ठहरे बैरागी तो उन्हें यह चीजें कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। भक्तों हम जो पूजा करते हैं तो प्रभु की भक्ति में बहुत ज्यादा ही डूब जाते हैं, ऐसे में और भी बहुत तरह की गलतियां हो सकती हैं। ऐसे में ध्यान रखें, एक तो सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके आप पूजा कर सकते हैं। संभव हो तो इस दिन जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हो तो तब जल के साथ साथ दूध दही घी शहद शक्कर भी अर्पित कर सकते हैं लेकिन शिवलिंग के ऊपर प्रसाद मत अर्पित करना। आपको अगर प्रसाद अर्पित करना है तो नीचे किसी चीज में रखकर अर्पित करें। शिवलिंग पर अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम शिवलिंग के पास का चरणामृत प्रसाद करते हैं। भक्तों सावन सोमवार के दिन अगर आप रात के समय पूजा करते हैं, प्रदोष काल में करते हैं तो आपको इसके फल ज्यादा मिलते ही, हालांकि रात्रि जागरण का भी विधान है। भक्तों शिवजी को भूलकर भी कुछ ऐसे फूल हैं जिन्हें अर्पित नहीं करना चाहिए। आप जब भी शिवजी की पूजा करेंगे सावन सोमवार पर तो शिवजी के साथ जगत माता पार्वती की पूजा करें, दोनों का आशीर्वाद एक साथ आपको मिलेगा। बेलपत्र बिना अर्पित किए तो आपकी पूजा ही अधूरी रह जाएगी।
आप उस पर चंदन केसर या फिर अगर पाउडर वाला चंदन है तो उसे पानी में घोलकर आप ओम लिखिए, राम लिखिए, फिर शिवलिंग पर नमः शिवाय नमः शिवाय कहते हुए बेल पत्र उल्टा करके अर्पित करें। शिव जी की पूजा में अक्षत जरूर अर्पित करें। अक्षत अर्पित करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। चावल टूटा हुआ ना हो इस बात का ध्यान रखें। साथ ही शिव जी की पूजा में एकदम काला वस्त्र पहनकर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते ही हमेशा भगवा रंग पहनकर ही ईश्वर की आराधना भक्ति साधना पूजा व्रत आदि करनी चाहिए। भक्तों, भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। इसे देख शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। भक्तों, सावन सोमवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। व्रत आदि में 8 बजे के बाद स्नान करना अशुभ माना गया है, इसीलिए सुबह 8 बजे से पहले स्नान दान आदि अवश्य कर ले। इससे महादेव प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि सुबह 8 बजे से पहले स्नान करना अत्यंत मंगलकारी माना गया है। इससे सकारात्मकता आपके ऊपर हमेशा वास करती है। भक्तों, शिवलिंग पर आप जल अर्पित करते हैं तो प्लास्टिक के लोटे से जल अर्पित कभी ना करें। इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। और आप शंख से जल अर्पित ना करें, क्योंकि शंख छूड़ नामक राक्षस का वध शंकर जी ने ही किया था। इसीलिए शंख से जल अर्पित मत करना, वरना शिव जी रुष्ट हो जाएंगे, आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। शिव जी की पूजा में तुलसी के पत्ते का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। और मित्रों, चंपा जैसे फूलों का प्रयोग तो बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आपकी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। भगवान शिव की पूजा में हल्दी कुमकुम इत्यादि का प्रयोग ना करें, क्योंकि भगवान शिव बैरागी है। इस दिन घर में झगड़े क्लेश लड़ाई झगड़े मुंह से गंदी गालियां नहीं देना चाहिए। किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। सावन सोमवार के दिन भोग विलास नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में आपको किसी ऐसे योनि में जाना पड़ सकता है जो बहुत ही भयानक हो सकती है। इस दिन ऐसा करने पर नरक की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, जहां तक संभव हो व्रत रखें। व्रत नहीं रखते हैं तो सात्विक भोजन घर में बनाएं और ग्रहण करें। शराब, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। और इस दिन जितना ज्यादा हो सके नमः शिवाय का जाप करें। जितना ज्यादा आप जप करेंगे, आप जितना ज्यादा शिव जी के करीब रहेंगे, उतना ही जल्दी आपको उनकी कृपा अवश्य मिलेगी। क्योंकि पूरे साल हम इस सावन सोमवार का इंतजार करते हैं, भला हम इस दिन को कैसे छोड़ सकते हैं। इसीलिए भगवान शिव की आराधना सावन सोमवार पर हर हाल में करना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो शिव जी की पूजा में महत्वपूर्ण है, जैसे कि शिव जी की पूजा में अबीर जरूर अर्पित करें और पूजा खत्म होने पर समाप्त होने पर दक्षिणा जरूर दें। दक्षिणा में देने के लिए पान का पत्ता से डंठल हटाकर उसके ऊपर सुपारी जनेऊ और थोड़ी मीठी चीजें लौंग इलायची और थोड़ा सा कलाभ लेकर दक्षिणा जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से शिव जी आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। दोस्तों, नारियल का पानी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नारियल अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो शिवलिंग के पास उसका जल हटाकर नारियल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर नारियल जल मत चढ़ाना। कमल का फूल अर्पित कर सकते हैं, पर कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा। दोस्तों, अब जानते हैं सावन सोमवार के पावन अवसर पर वह कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें घर में लाने से भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहती है। भगवान शिव इन चीजों के साथ आपके घर पर चले आते हैं, तो आइए जान लेते हैं। भक्तों, भगवान शिव के डमरू सावन सोमवार के दिन डमरू घर में अवश्य लाना चाहिए और इस दिन भगवान शिव की पूजा में डमरू जरूर बजाना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। हमेशा भगवान शिव के पास डमरू जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में शिव परिवार की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो इस खास मौके पर यानी सावन सोमवार के दिन शिव परिवार को घर में जरूर लाएं। इसके साथ ही भगवान शिव की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहती है। दोस्तों, सावन सोमवार पर रुद्राक्ष अवश्य लाएं। शिव पुराण के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का ही रूप है। इसे गले में धारण करने से मनुष्य की हर इच्छा पूरी हो सकती है। अगर इस रुद्राक्ष की पूजा करके धन स्थान यानी तिजोरी में रखा जाए तो धन से संबंधित परेशानियां हमेशा के लिए समाप्त हो सकती हैं। लेकिन सावन सोमवार पर रुद्राक्ष का घर में होना भी बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। दोस्तों, अगर सावन सोमवार पर आप महामृत्युंजय यंत्र लाकर अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर रोज उसकी पूजा करते हैं तो इससे सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही भगवान शिव भी खींचे चले आते ही ऐसे घर में सदैव भगवान शिव का वास होगा।
दोस्तों शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक त्रिशूल अगर किसी मंदिर में भेंट किया जाए या अपने हाथों से खुद लाया जाए तो ऐसे व्यक्ति को जन्मों जन्मों तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। सावन सोमवार पर मंदिरों में एक त्रिशूल अवश्य दें, खास सावन सोमवार के दिन ही ऐसा करें, लेकिन बाकी दिन भी आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों सावन सोमवार पर मोरपंख अवश्य घर में लाना चाहिए, किसी खास मौके पर ही मोरपंख घर में लाना चाहिए, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मोरपंख कई शक्तियों से भरा पड़ा है, जहां होता है मोरपंख उस घर में गरीबी कभी नहीं आती, ऐसे घर पर सदैव भगवान कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि सावन सोमवार पर व्रतधारी को व्रत के दौरान शाम के समय व्रती फलाहार कर सकते हैं। इस दौरान मौसमी फलों का सेवन बेहतर माना गया है। इस दौरान केले और सेब का सेवन कर सकते हैं, मौसमी फल पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। ऐसे में व्रत के दौरान भूखे रहने पर भी आपको कमजोरी महसूस नहीं होती और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं दूर रहती है। व्रत के दौरान आप दूध, दही, छाछ और लस्सी का भी सेवन कर सकते हैं। साबूदाने की खिचड़ी और खीर के साथ आप उपवास खोल सकते हैं। व्रतिकाए ध्यान रखना चाहिए कि फलाहार में सादे अथवा काला नमक का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। व्रत के लिहाज से सेंधा नमक सही माना गया है। इस बात का ध्यान रखें कि व्रत के खाने में सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आप उबले हुए आलू आलू की टिक्की या हलवा बनाकर भी सेवन किया जाता है। देखिए दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि सावन का पवित्र महीना वह महीना होता है जिस दौरान भगवान शिव शंकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति सावन सोमवार का व्रत रखता है तो उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं, उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरी तरफ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि श्रावण पूर्णिमा तिथि के दिन अगर कोई भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठता है, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करता है, पूरे दिन का व्रत रखता है तो उस व्यक्ति को साक्षात भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाता है। और अगर एक व्यक्ति को भगवान शिव शंकर, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो जाता है तो फिर उस व्यक्ति का साक्षात्काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। लेकिन दोस्तों अगर किसी कारणवश आप इस पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन इस पूर्णिमा तिथि के दिन आप चुपचाप एक रुपए के सिक्के का उपाय शिव पुराण के अनुसार कर लेते हैं तो न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और मानकर चलिए आने वाले समय में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक रुपए के सिक्के का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दे, जो एक रुपए का सिक्का होता है वह स्टेनलेस स्टील का बना होता है। स्टेनलेस स्टील जो होती है वह बृहस्पति ग्रह का कारक होती है, शुक्र ग्रह का कारक होती है। जो बृहस्पति ग्रह होता है वह एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु से जुड़ा होता है। एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य और राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ जो शुक्र ग्रह होता है यह व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है। अगर किसी व्यक्ति का शुक्र ग्रह उसका साथ देना शुरू कर दे तो फिर उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाती है। इसीलिए अगर आपने सिर्फ सावन के अंतिम सोमवार के दिन, जिस दिन रक्षाबंधन भी है, श्रावण पूर्णिमा तिथि भी है, इस दिन चुपचाप एक रुपए के सिक्के का उपाय शिव पुराण के अनुसार कर लिया तो आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह जरूर पूरी हो जाएगी। आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो जाएगा और आने वाले समय में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप चाहते हैं भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिए।
आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस पूर्णिमा तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है शुक्र ग्रह का साथ पाने का। महा उपाय दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ दे, आप धन संबंधित जो भी निर्णय लें उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे, तो एक बात को समझ लीजिए, शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और अगर किसी व्यक्ति का शुक्र ग्रह उसका साथ देना शुरू कर दे तो फिर उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ दे तो बस एक काम कीजिएगा, इस श्रावण पूर्णिमा तिथि की रात्रि को आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है और 2-1 रुपए के सिक्के लेने हैं। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी है, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जलाना है, 2 सिक्कों को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। उसके बाद 2 सिक्कों में 1 सिक्के को आपको अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देना है, जहां पर आप अपना पैसा रुपया रखते हैं, और दूसरे सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना है। बस पर्स आपका चमड़े का नहीं होना चाहिए। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस पूर्णिमा तिथि की रात्रि को कर लिया तो दोस्तों यह सिक्के माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएंगे, जिसके बाद आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा, आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा, आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फिर आने वाले समय में आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों अगर आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है, आप छोटे छोटे काम करते हैं उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं, असफलता को देखते देखते आप परेशान होते हुए चले जा रहे हैं, तो समझ जाइए आपका बृहस्पति ग्रह आपका साथ देना छोड़ चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस पूर्णिमा तिथि की रात को एक घी का दीपक लेना है, 1 रुपए का सिक्का लेना है, आपके घर के पास जो भी पीपल का पेड़ है वहां जाना है, क्योंकि श्रावण पूर्णिमा तिथि के दिन पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु जी वास करने आते हैं। सबसे पहले पीपल पेड़ के पास आपको एक घी का दीपक जलाना है, 1 रुपए के सिक्के को अपने हाथ में पकड़ने के बाद भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उसके बाद इस सिक्के को अपने सर के ऊपर आपको 7 बार घुमा देना है और इस सिक्के को आपको पीपल पेड़ के पास रख देना है। इतना उपाय अगर आपने इस पूर्णिमा की रात्रि को कर लिया तो आपके ऊपर कोई भी ऐसा दोष होगा जिसकी वजह से आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा होगा, वह सारी परेशानी यह सिक्का अपने साथ ले जाएगा और आपका बृहस्पति ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है। पहले आपके व्यापार में धन आ रहा था, अब आपके व्यापार में धन आना बंद हो गया है। आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हो चुके हैं, तो समझ जाइए आपके व्यापार को किसी की नजर लग गई है। और दोस्तों नजर इतनी खतरनाक चीज होती है जो हरे पेड़ को भी सुखा देती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार वापस से चलने लग जाए, आपके व्यापार में चारों दिशाओं से धन आना शुरू हो जाए, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस पूर्णिमा तिथि के दिन को आपको सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है, एक लोटा जल लेना है, एक सफेद कपड़े में एक मुट्ठी चावल डालना है, उसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का रखना है, इस सफेद कपड़े की पोटली बना लेनी है, आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले 1 लोटा जल शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है, अर्पित करना, इस चावल की पोटली को आपको शिवलिंग से छुआ लेना है और लाना है,
अपने व्यापार स्थान पर जहां पर आप अपने पैसे का लेन देन करते हैं वहां पर रख देना है। सिर्फ इतना उपाय, अगर आपने इस पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया तो यह चावल भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बन जाएंगे, जिसके बाद आपके व्यापार को जो भी नजर लगी होगी वह अपने आप खत्म हो जाएगी। आपके व्यापार में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके व्यापार में जो धन आएगा उसमें बढ़ोतरी होगी। आपके व्यापार में आप खुद देखेंगे चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चला आएगा।